कंटेंट मीडिया मार्केटिंग सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मारने वाली किसने की है सोशल मीडिया पे? कंपनी है नहीं, कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे तेज पिंटरेस्ट, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहा हूं मैं बताऊं इतिहास जिसको याद रखेगा सबसे खतरनाक सोशल मीडिया मार्केटिंग में, और जिसकी मतलब केस स्टडीज बनाई जाती हैं, वो है 2014 के बीजेपी के लड़े गए इलेक्शंस। 2014 में जब बीजेपी पहली बार गवर्नमेंट में आई थी, उस समय जो कैंपेन हुआ था, ओवरऑल मार्केटिंग कैंपेन, नॉट ओनली सोशल मीडिया, सोशल मीडिया तो ही, लेकिन ओवरऑल मार्केटिंग मीडिया कैंपेन वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स एवर। अब की बार मोदी सरकार क्या बात समझ आ रही है, बहुत हुई इसकी मार, अब की बार मोदी सरकार क्या बात समझ आ रही है ना, अच्छे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और उनने एक्चुअली में उनने पहली बार इलेक्शंस में सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज किया था, और इतना खतरनाक यूज किया था, मतलब हर एक इंसान के जहन में बस गया था कि बीजेपी का जीतना तय है, क्या बात समझ में आ रही है, और वो उनको आज तक बेनिफिट उसका मिलता आ रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग के दम पे हुआ है, तो मैं तो उसी को याद रखता हूँ कि यार 2014 में जो इलेक्शंस करे थे बीजेपी ने, कांग्रेस को खत्म ही कर दिया एक तरीके से, और अच्छी बुरी कुछ भी बोलो, बहुत खतरनाक मार्केटिंग करी थी, डीप डाउन रूटेड घर घर तक पहुंचे थे। और ओवरऑल मार्केटिंग मतलब होर्डिंग्स भी ऐसे, डेली न्यूज़पेपर एड्स भी आ रहे हैं, होर्डिंग्स भी आ रही है, साथ में सोशल मीडिया में भी भयंकर पुशिंग चल रही है, क्या बात समझ में। और सोशल मीडिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के अकाउंट से, उनने उनका पूरा आईटी सेल है, हजारों लाखों लोग है, मतलब बोला जाता है ऐसा कि बीजेपी अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाना चाहे तो ऐसे फैला सकती है। क्यों फैला सकती है? क्योंकि उनके पास क्या है, इतना मास है, नॉट ओनली नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी तरीके से, मतलब उनका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, क्या बात समझ में आ रही है, कि वो अपनी बातों को फैला पाते हैं बहुत सही तरीके से, क्या बात समझ में। उनको देख के लोगों ने सीखा है कि कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए, कैसे सोशल मीडिया में अपने प्रेजेंस को या अपनी बात को फैलाना चाहिए। हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया लोग, अगर तुम शार्क टैंक भी देखते हो, लोग आजकल अपनी सेल्स का कितना कितना 10-10, 20-20% सिर्फ आए में सोशल मीडिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोले अना, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वो फिजिकल मार्केटिंग में जा ही नहीं रहे, और पूरा पैसा कहां मिटा रहे हैं। और तुमको बता दूं, कोविड के टाइम पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जितना खर्चा होता था सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे हम भी कराते हैं कभी, तो जो खर्चा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोविड के टाइम पे होता था ना, आज मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया, मतलब 3 से 4 गुना बढ़ गया है। पहले जितने खर्चे में जितनी रीच आ जाती थी, आज उससे ट्रिपल खर्चे में उतनी रीच आती है, क्योंकि अब सब लोग क्या करने लगे हैं, पहले सोशल मीडिया में करने वाले लोग कम थे, ईजी फैल जाता था, कम खर्चे में ज्यादा लोग तक पहुंच पाते, अब सब लोग कर रहे हैं, तो सबकी लड़ाई है कि सबको दिखे। आज तुम इंस्टाग्राम चलाना, कभी अगर तुम कंसर्न हो के इंस्टाग्राम चलाओगे, तो कभी आज जाओगे जब इंस्टाग्राम चलाओगे, कभी तो देखना अगर तुमने ऐसे 10 बार अपनी फीड को स्क्रॉल किया, तो उसमें कितने तुमको स्पॉन्सर्ड ऐड दिखे, अपने पोस्ट का, लोगों के पोस्ट में तो ढूंढने पड़ते हैं कौन से बच्चों के, कौन से पहचान वाले पोस्ट और कौन से स्पॉन्सर्ड है, क्या उसमें 10 में से 2 अगर कोई पहचान वाले दिख जाए तो दिख जाए, बाकी 8 तो क्या दिखते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स दिखते हैं तुमको, क्या समझ में आ रही है। बोला जाता है कि बोल रहा था कोई कि पहले इंस्टाग्राम की खास बात ये थी कि तुम चूज कर सकते थे कि तुमको क्या देखना है, आज वो समय रह गया कि तुम चूज नहीं कर सकते तुमको क्या देखना है, इंस्टाग्राम चूज करता है कि उसको तुमको क्या दिखाना है, तुम किसी को फॉलो कर लो, कुछ कर लो, किसी ने उसको पैसा दिया, स्पॉन्सर्ड ऐड दिया, तो तुम्हारी फीड में दिखेगा ही दिखेगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है क्या, आई कि नहीं आई बात समझ में, नहीं आया कि आया, और इतना मल्टीपल टाइम्स पुशिंग करते हैं कि तुमको पता भी नहीं चलता, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भर जाती है वो चीज, 25 बार 30 बार वही वही चीज आती रहेगी तुमको, तो उसको बोलते हैं आपको वही वही। तुम जूते एक काम करो, अमेज़न में जूते सर्च कर लो अभी, फिर तुम इंस्टाग्राम चला लो, यूट्यूब चला लो, वो तुमको हर जगह जूते दिखाएगा, जूते ले ले, जूते ले ले, जब तक तू जूते ले नहीं लेगा उसको चैन नहीं रहेगा। उसी पे से ये सब तरीका रहता है उनका। चलिए एक बार अपन एक केस स्टडी पढ़ते हैं, How Mint used online marketing to successfully launch digital empire. When Mint, मस्त नाम लग रहा है Mint. When Mint first launched in 2006, it was nothing more than an account aggregation service. Yes, Mint has now become a household name with over 20 million users. Mint क्या है? एक कंपनी है, क्या बात समझ में आ रही है? Acquired by Intuit of 170 million 2009. Mint is a personal finance tracker that makes it easy for customers to achieve their financial goal. उनका financial tracker कि तुम कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हो, कहाँ नहीं कर, उसके लिए tracker their budget for find out deals on credit cards, loans, mortgages and auto loans.
Mint faced an uphill battle as it needed to convince users that it was safe to consolidate banking data under a single service. When aggregation service first came out in 2006, it was something my users were told never to do. मतलब वो क्या है? ऐप है जिसमें अपने बैंक अकाउंट डाल दो, सारी चीज डाल दो, तो तुम्हारे खर्चों को एनालाइज करके देगा. और लोग क्या करते हैं? थर्ड पार्टी ऐप में अपने बैंक अकाउंट डिटेल डालने से बहुत डरते हैं. और ऑब्वियस सी बात है, डरना भी चाहिए. ठीक है, डिस्पाइट दिस, दो थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन, मिंट वॉज एबल टू सक्सेसफुली स्टार्ट एक्वायरिंग रेवेन्यू थ्रू लीड जनरेशन बाय 2008, लेवरेजिंग इट्स रेफरल फीस. रेफरल फीस क्या होती है? रेफरल फीस क्या होती है कि अगर तुमने कोई एक अकाउंट खोला है, तुम रेफर करो, तुम्हारे रेफरेंस में कोई एक अकाउंट खोलेगा तो क्या होगा, तुमको उसके पैसे मिलेंगे. है ना, गूगल पे का पहले नाम क्या था? तेज. याद है, तेज ऐप आया था गूगल पे, पहले तेज के नाम से आया था. फिर गूगल सब लोग डाउनलोड कर रहे थे, भेज रहे थे और पैसे मिल रहे थे. वो फ्री स्क्रैच कार्ड भी आता था, स्क्रैच कार्ड करो तो खूब सारे पैसे मिल रहे थे स्टार्टिंग में. बाद में क्या हुआ कि वो खत्म होने लग गया. आ रही है बात समझ में? तो अब उसको गूगल पे बोलने लग गए उनने. ठीक है, क्या तो उनको यही प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने रेफरल बहुत कुछ चलाया. Mint's challenges were twofold. They needed to convince customers that it was a service they needed and that they were reputable, safe to use. They were able to do this through their multi-channel marketing, which built authority and brand awareness throughout their targeted millennial audience. Brand. अब क्या होता है ना, brand बनाने के लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं. जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, ये जो सोशल मीडिया जो है, क्या कहते हैं, स्टार्स हैं, क्या बात है, जो भी क्या कहते हैं इसको, बॉलीवुड स्टार्स हैं, क्रिकेटिंग स्टार्स हैं, इनको यूज क्यों किया जाता है? ताकि ब्रांड में रिकॉल वैल्यू आए. क्या बात समझ में आ रही? जैसे नॉइस, मेरे को याद है मैंने नॉइस कंपनी की घड़ी खरीदी थी. मैं कभी जिंदगी में नॉइस कंपनी की घड़ी नहीं खरीदता, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कंपनी बड़ी है कि छोटी है, पता नहीं कौन है. फर्जी कंपनी की 6,000 की घड़ी खरीदना क्या मतलब है? अच्छा, कोई अच्छी कंपनी खरीद लो. मैंने नॉइस की एड देखी, रोहित शर्मा एड कर रहा है, इधर एड आ रही है, उधर एड आ रही है, तो मुझे लगा पक्का बड़ी कंपनी है, रोहित शर्मा जैसे लोग छोटी मोटी कंपनी में एड तो नहीं करें. ब्रांड इमेज बन गई ना, एक्वायर कर लिया ना आपने. यही अगर कोई नॉर्मल आदमी खड़ा हो तो आपको लगता है क्या पता चाइनीज कंपनी कौन सी कंपनी, फर्जी कंपनी, क्या पता. क्यों सर, अभी तुम देखो जैसे ये है, क्या कहते हैं, लेंस कार्ट है. लेंस कार्ट अभी करण जौहर को कर रहा है, ठीक है, और शायद उसको भी कर रहा है, कैटरीना कैफ को भी कर रहा है, कैटरीना कैफ को भी कर चुका, अभी कियारा आडवाणी कर रहा है शायद से, कियारा आडवाणी कर रहा है. मतलब समझ रहे हो, ये सब क्यों किया जाता है? ताकि इससे क्या है, थोड़ा सा रिकॉल वैल्यू है, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट जनरेट हो कि हाँ ये. अब उस दिन मैं देख रहा था अश्लील ग्रोवर का एक इंटरव्यू, उसमें वो बता रहा था कि यार पता है जो भीम यूपीआई है ना, उसका नाम पहले भारत पे होने वाला था. भीम यूपीआई अपना यूपीआई सरकारी है, जो हम सब यूज करते हैं गूगल पे, सारी चीजें यूपीआई पे, यूपीआई सरकारी है. तो पहले उसका नाम भारत पे होने वाला था, फिर भारत पे ना करके उन्होंने यूपीआई किया, भीम यूपीआई किया, तो भारत पे नाम रह गया. और वो किसने कर लिया? अश्लील ग्रोवर की कंपनी ने. और अब क्या है, वो गांव गांव में दुकानों में जाके क्या लगा रहे हैं, क्यूआर कोड लगा रहे हैं, बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं. अब लोगों को यार इतनी जल्दी बैंकिंग किसी क्यों लेंगे? लोग एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब सुनते हैं ना, तो किसी नए की क्यों लेंगे? तो नाम ही उसका क्या था? भारत पे. लगता सरकारी कंपनी है. और लोग हाँ हाँ भारत पे, ठीक है हम कर सकते हैं, भारत पे है ये सरकार. और ये भी कोविड के टाइम की बात है, उसके पहले की, तो हाँ हाँ सरकार ला रही है और ले कर रही है, भारत पे लोग लगाओ. क्या समझ में आ रही है? ऐसे अलग अलग जैसे रेफरल है, अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती ताकि लोगों को क्या आ जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए आपके प्रोडक्ट की. आप किसी ऐसे इंसान को प्रमोट करते हो कि लगे कि हाँ यार ये बड़े आदमी है, बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं. नहीं आया कि आया, हाँ या ना बोलो. तो बस वही बोला कि एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड द फॉलोइंग. उन्होंने क्या किया? द मिंट लाइफ ब्लॉग. मिंट लाइफ ब्लॉग मतलब ब्लॉगिंग, आर्टिकल्स लिखना चालू किया. और जब आर्टिकल्स अच्छे लिखते हो ना, नॉलेजेबल कंटेंट लिखते हो ना, तो लोग रीड करते हैं, तो लोगों को आता है कि हाँ यार ये अच्छी बात बोलते हैं, ये पहचान के, ये जानते हैं. बात समझ में आ रही है? फिर दूसरा क्या होता है तुम्हारा? सोशल मीडिया इंटरैक्शन, लाइव आना, ये सारी चीजें करना. थ्रू सोशल मीडिया मिंट बिकेम एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पॉन्सिव. द टीम एट मिंट होस्टेड प्रमोशंस, गेव अवे फ्री आइटम्स एंड डिस्काउंट्स, एंड एंगेज विद द ऑडियंस दैट दे एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट इंटरेस्टेड. सर फिर क्या है? एक्सप्लेनर वीडियोस एक्सप्लेन करते हुए कि ये है, ऐसा होता है, ये होता है, क्यों पर्सनल फाइनेंस जरूरी है. मतलब एक्चुअली हमारे देश में पर्सनल फाइनेंस की अवेयरनेस नहीं है. पर्सनल फाइनेंस समझते ही नहीं लोग होता क्या है. पर्सनल फाइनेंस इज जस्ट लाइक मेंटेनिंग योर फाइनेंस. आप अपने पैसे को कैसे खर्च करें, कैसे बचाएं, कहां बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स अर्निंग कर पाए. क्या समझ में आ रही है? इस चीज की अवेयरनेस लाना, उन्होंने एक्सप्लेनर वीडियोस बनाए. ऐसे करके उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को एक
अच्छे लेवल पे लेके गए, लोगों के अंदर अवेयरनेस है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बिजनेस समझना चाहते हो ना तो एक एक यूट्यूब चैनल है थिंक स्कूल करके, मतलब उसको देखा कर, जब भी फ्री हो तो उसका एक वीडियो देखो। थिंक स्कूल का पूरा इंग्लिश में रहता है लेकिन मजेदार रहता है, मजेदार मतलब बिजनेस की केस स्टडी अगर कोई देखनी है वो अभी उस दिन एक उनका एक वीडियो है, अगर तुम समझ पाओगे नहीं समझ पाओ देखना उसको ट्राई करना, जीरोधा और उसका है। जीरोधा क्या पता है? चाहे जीरोधा, जीरोधा एक ऐप है जहां पे अपन आम भाषा में बोलूं तो ब्रोकर एक तरीके से, जहां पे अपने स्टॉक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और करते हैं, ठीक है क्या? और उसी का दूसरा ऑपोजिट, बेस्ट ऑपोजिट कौन सा है? ये ग्रो है ना, जीरोधा और ग्रो का एक दूसरी कंपनी का उसने कंपैरिजन बताया अब स्टॉक्स किसी का कि कैसे वो दोनों कंपनियों ने अपने बिजनेस को बढ़ाया, एकदम रिवर्स मार्केटिंग करके जीरोधा बढ़ा हुआ। रेफरल देने से आदमी बड़ा होता है बोलते हैं कि रेफरल दो ना, उसने अपस्टॉक्स ने रेफरल दिया, जीरोधा ने रेफरल दिया ही नहीं, तब भी जीरोधा बड़ा हुआ। अब वो तुम पूरी केस स्टडी सुनना क्योंकि अब सीधी सी बात है ना, उसने कितनी बहुत बेसिक सी बात बताता हूं, अपस्टॉक्स क्या है और जीरोधा क्या है। यहाँ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलता है, अब डीमैट अकाउंट खोलने वाला कौन होगा जिसके पैसे होंगे, जो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट में। अब तुम अपस्टॉक्स में क्या बोल रहे हो कि हमारा अकाउंट, हमारा ऐप डाउनलोड करो और उसको रेफर करो, रेफर करोगे तो तुमको 500 रुपए मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैंने मानसी को बेचा कि बेटा ये डाउनलोड कर ले और उसने डाउनलोड किया तो फिर मेरे को 500 रुपए मिलेंगे। मैं एक इन्वेस्टर हूं जो 5,00,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाने जा रहा हूं, 25,00,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाने जा रहा हूं, क्या 500 रुपए के लिए इसे हरकत करता बैठूंगा? ये 500 रुपए 1,000 रुपए के लिए हरकत कौन करेगा? बच्चे, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जिनके लिए 500 रुपए एक बड़ा अमाउंट, ऑब्वियस सी बात है, सही भी जो कि बोलो है नहीं, लेकिन वो कभी भी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लायक होंगे क्या? उसने देखा सब लोग रेफरल दे रहे तो अपस्टॉक्स में भी रेफरल दे रही है, जबकि रेफरल देने से आपके पास कौन सी जनता इकट्ठी हुई? लो अर्निंग कैपेसिटी वाली, लो पेइंग कैपेसिटी वाली, जो रेफरल के लिए आई थी वो कभी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, सिंसियर इन्वेस्टर आपके पास आएंगे नहीं, वो रेफरल पे खर्चा किया जा रहा है लेकिन उसको ग्रोथ नहीं मिल रही। उल्टा उसमें जीरोधा क्या करता था, फीस लेता था कि अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो 200 रुपए फीस लगेगी पर एनम। अपस्टॉक बोलता था हम रेफरल का पैसा देंगे, बोलता था हम 200 रुपए लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसको सिर्फ सिंसियर इन्वेस्टर चाहिए थे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके क्या हुआ, एक रिवर्स मार्केटिंग से जीरोधा ने क्या किया अपना मार्केट, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, वो पूरा वीडियो देखना थिंक स्कूल का, बहुत शानदार है। तो ऐसे तुम थिंक स्कूल को सब लोग वो करके रखो, बीच बीच में बिजनेस की वीडियोस देखते रहना, दिमाग खुलता है उससे। चलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अगली कौन सी बताऊं? बताओ, सब वैसी वैसी है। हालांकि गोल्डन हार्ट पढ़ा दूं क्या, ड्रॉप बॉक्स पढ़ा दूं? चलो आ जाओ, ड्रॉप बॉक्स पढ़ा देता हूं। Dropbox grows from 1 million to 500 million users in just 7 years. Million यानी? Million यानी 10 लाख, 1 million यानी 10 लाख से 500 million. समझ गया ना? तो क्या बोला है? Ranked as one of the most valuable startups in the world. Dropbox is currently one of the most used digital utilities across the globe. Dropbox has total 500 million users and its usage has been growing steadily ever since from 2009 to 2016, Dropbox was able to achieve growth from 1 million to 500 million users. Much of this dramatic growth was fueled by online marketing. As online service, Dropbox online marketing was particularly important. Its users were already there. It just needed to find a way to tap into them. It was able to do this in a scalable, cost-effective way by essentially recruiting its own customers. Dropbox encouraged the customers to invite others through variety of social media platforms, which turned the ordinary users into a brand ambassador. मतलब digital marketing जैसा, वो influence marketing जैसा। क्या बात समझ में आ रही? मैंने अपने सारे customer को बोल दिया कि तुम customer लेके आओगे तुम्हें percentage मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी जब तक मेरे ordinary customer थे, कोई तुमसे पूछता हो तो तुम तारीफ कर देते होगे कि हाँ यार अच्छा है, ऐसा है। अब तुम क्या बन गए? ब्रांड एम्बेसडर बन गए एक तरीके से। क्या समझ रहे हो? तुम जा रहे हो अभी ले 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 ले, बहुत अच्छा है, तुम लगे हो सामने वाले को दिलवाने में, क्योंकि तुमको पैसा मिलेगा, तुमको डिस्काउंट मिलेगा। क्या समझ में आ रही? और उसके चक्कर में तुमने क्या किया, अपना बिजनेस बढ़ा दिया। एज ऑनलाइन सर्विसेज, ड्रॉपबॉक्स ऑनलाइन मार्केटिंग वॉज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। इट यूजर्स, ये तो पढ़ लिया। फर्दर, ड्रॉपबॉक्स हैड टू सेग्रीगेट इट्स मार्केटिंग कैंपेन। इट वॉजंट जस्ट B2C यूटिलिटी, द अल्टीमेट गोल्स वर टू सर्व द बिजनेस हु वुड बी मेयर लाइकली टू पे अ प्रीमियम मॉडल। उनको सिर्फ B2C नहीं B2B भी जाना था। आई के बच्चन में, फर्दर ड्रॉपबॉक्स हैड टू सेग्रीगेट इट्स मार्केटिंग कैंपेन। तो हो गया, दिस मेंट दैट ड्रॉपबॉक्स हैड टू रीच द सर्टेन सैचुरेशन पॉइंट। द मोर यूबिटस
its products became, the more likely it would be that commercial enterprise would invest in premium services. This understood importance of fast, even chaotic growth. क्या बात समझ में आ रही है कि जितना उनका product में customer base ज्यादा होगा उतना ज्यादा बिजनेस उसमें आने में इंटरेस्टेड रहेंगे और क्या रहेंगे प्रीमियम अमाउंट पे करने के लिए तैयार रहे जिसमें कस्टमर बेस रहेगा उसमें बिजनेस आएंगे. क्या बात समझ में आ रही है. तो एक ही एस्पेक्ट्स ऑफ देयर इंक्लूड द फॉलोइंग अ क्लीन क्लियर लैंडिंग पेज. लैंडिंग पेज यानी कि वो जो फर्स्ट पेज या वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज. बिल्ट इन मार्केटिंग इंसेंटिव्स के बारे में आप प्रेफर करो तो उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे. ठीक है क्या. तीसरा क्या होता है इंस्पायरिंग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बनाया हुआ था बेसिक बात है. इससे मुझे एक वो याद आती है डार्वा की स्टोरी. डार्वा क्या था यूएस में एक बार क्या हुआ आतंकवादी हमला हमला जब हुआ था ना वो क्रैश वाला वो लादेन वाला. ठीक है क्या. उसके बाद जो वो थी जितनी भी डिफेंस एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है ना जैसे कि अपने यहाँ पे रॉ है क्या बस समझ में आ रही. वैसे वहां की जो इंटेलिजेंस इन डार्बा करके वो बहुत एक्टिव हो गई थी कि उसको पकड़ना है या कुछ कुछ करना है. तो उनने एक कैंपेन लॉन्च किया बोला हमने पूरे यूएस में 100 अलग अलग जगहों पर 100 बलून छुपाए रेड कलर के बड़े बड़े. जो भी उसको ढूंढ के लाके देगा उसको $1 million का इनाम मिलेगा और एक ही पर्सन को पूरे 100 बलून्स मिलने चाहिए. आज अनाउंस कर दिया 30 दिन बाद हम एक डेट पे आके 100 बलून्स छुपाएंगे 100 अलग अलग दिशाओं पे और पूरे यूएस में कहीं भी. ऐसा नहीं कि कोई एक एरिया को मतलब सोचो तुमको बोलेंगे पूरे इंडिया में 100 जगह पे 100 बलून्स है तुमको ढूंढने हैं. ताकि ये क्यों किया गया जैसे जैसे कभी भी कोई आतंकवादी हमला हो कभी लोग ने हमको पता चले कि बम छुपे हैं हमने उन्होंने बम लगाए हमको डिकोड करना है ढूंढने कहाँ है तो हम कम समय में कैसे ढूंढ सकते हैं. ये डिकोड करने के लिए उन्होंने ये चैलेंज लगाया कि कहीं आतंकवादी छुपे हो उनको ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे. इसके लिए इनने एक मॉक ड्रिल चलाई. अब इसमें बोला गया कि यार जो भी ढूंढेगा जो भी ढूंढ के लाएगा उसको $100 million मिलेगा. अब सब लोग हो गए उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि भाई ये और एक आज जो यूनिवर्सिटी है वहां की फेमस जो लोग का स्टडीज निकालते हैं उनने बोल दिया ये तो बहुत हाइट्स हो गई इम्पॉसिबल है ये 100 बलून ढूंढ पाना पूरे यूएस भर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है वो भी एक ही ग्रुप को मिलने चाहिए. तो उनको बोला गया कि ठीक है आपको एक 30 दिन का टाइम दे रहे हैं 30 दिन सब लोग अपने अपने प्लान बना लो. तो बड़ी बड़ी जो MNCs है वो सब भी पार्टिसिपेट करने लगी क्योंकि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा नाम भी होगा कि इनने कॉम्पिटिशन जीता जो ग्लोबल लेवल पे नाम हो जाएगा. ठीक है मार्केटिंग हो जाएगी खूब तेज. तो उन्होंने क्या किया सबने अपना अपनी रिसर्च चालू करी किसी ने अपनी टीम बना ली किसी ने अपनी वेबसाइट बना ली लोगों ने सैटेलाइट तक लॉन्च कर दी कि सैटेलाइट से ढूंढने में इस लेवल पे चला गया ये कंपटीशन. तो जब ये इस लेवल पे गया तो और जो डार्वा जो एजेंसी थी जिसने किया था उनको पता था कि ये चैलेंज टफ है. लॉन्च होने के कम से 7-10 दिन तक तो किसी को नहीं मिलेगा और 10 दिन के अंदर कोई ना कोई तो ढूंढ ही ले. लॉन्च हुआ है 7.5 घंटे में एक कंपनी ने क्लेम कर लिया किसको मिल गया है पूरे 100 बलून्स और पूरे 7 घंटे में सब लोग हैरान. न्यूज आ गई कैसे हो गया 7 घंटे में कैसे ढूंढ लिया. तो अब लगा कि बड़ी बड़ी कंपनी होगी. कॉलेज के कुछ लड़के थे जिनका एक ग्रुप था जिनने ये ढूंढ लिया था और उन्होंने कैसे ढूंढ लिया पूरे यूएस में वो तो किसी एक कॉलेज के पढ़े हुए थे और उन्होंने एनरोल भी 5 दिन पहले किया था बाकी लोग महीने महीने भर से तैयारी कर रहे थे. उनने सिर्फ एक टेक्निक लगाई बोले $100 million लग रहे हैं. सारे लोग कैसे काम कर रहे थे कि यार ग्रुप बना रहे थे जो पूरे देश में फैल के ढूंढेंगे. इनने एक वेबसाइट बनाई वेबसाइट में बोला कि जिसको एक बलून मिलता है उसको जिसने रेफर किया होगा उसको भी पैसा मिलेगा उसको जिसने रेफर किया होगा उसको भी पैसा मिलेगा जिसने रेफर किया होगा उसको भी पैसा मिलेगा. जैसे मैंने बोल दिया मानसी को बलून तेको मिलेगा तो तू ढूंढ लेना तू भी ढूंढ लेना सबने एक दूसरे को रेफर कर दिया. अब इसने बलून ढूंढा तुमको किसने बताया था उसने तुमको किसने बताया था उसने तुमको बताया था उसने 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 मेरे को सबको पैसा मिलेगा. बाकी सब लोग क्या करते पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी के एजेंट बाकी ने भी ग्रुप बनाए थे पर उनके ग्रुप कैसे थे मेरे को पता चल गया ना तो हमारे ग्रुप के बाहर किसी को बात नहीं पता चलनी चाहिए क्योंकि बाकी लोग ढूंढ लेंगे. और इनने क्या कहा सब ढूंढो सब हमारा ग्रुप है. इनने इंसेंटिव सिस्टम ऐसा बनाया कि भैया तुमको 10% उसको 10% तुमको क्या हुआ
लाखों सब्सक्राइबर्स आ रहे वेबसाइट में, सब ढूंढ रहे थे और सब एक दूसरे को बता रहे थे कि मेरे को यहां का मिल गया, तू वहां का ढूंढ, तू वहां के, क्योंकि क्या है, एक मैंने ढूंढ लिया तो मेरे से काम ही चलेगा, पूरे 100 मिलने चाहिए, और सब एक दूसरे को वो चीज कर रहे थे, फैला रहे थे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बात समझ में आ रही है? तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई, ये इंसेंटिव सिस्टम उन्होंने ऐसा अपनाया कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो काम 7 दिन में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने गई, वो कॉलेज के कुछ चंद लड़कों ने कर लिया, और 7 घंटों दिमाग। समझ में आ रही है? तो आपको ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, यही फिर यहीं से वो बिजनेस और मार्केटिंग सिस्टम चालू हुआ कि कैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे ये फिर नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग इससे चालू हुई। नहीं आई कि आई बात सामने, फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया, हाँ ना बोलो। चलो ये वाली केस, अब सारी केस स्टडीज बन जाएंगी आपको। हाँ, अगर कोई केस स्टडी स्पेसिफिकली ना बने तो पूछ लेना, बेसिक मैंने आपको रीड करा दिया है। ये चैप्टर भी आपको खत्म होता है, अब अपन इसके बाद वर्किंग कैपिटल चालू करेंगे फाइनेंस में। हाँ या ना बोलो।